स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है, स्पोर्ट्स को हमने बढ़ावा देने की कोशिश की है और स्पोर्ट्स को हमेशा बचपन से मेरा एक लगाव रहा था। क्रिकेट खेलते थे, बहुत सारा गेम्स हम खेला करते थे। तो जब फिल्म बनाने का मौका आया और फिल्में लॉन्च होने का, मेरी पहली फिल्म थी, तो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट इट विद स्पोर्ट्स, जो मेरे दिल से हमेशा जुड़ा रहा है। तो ये फिल्म जो है बॉक्सिंग के ऊपर है, इसमें मैं एक बॉक्सर की भूमिका को अदा कर रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है क्योंकि ये फिल्म स्पोर्ट्स के अलावा इसमें हर चीज़ है जो एक कॉमर्शियल फिल्म में होना चाहिए। मतलब हर वो मसाला है, इसमें सस्पेंस है और सब कॉमर्शियल इंग्रेडिएंट्स होने के बाद भी हमने समाज को काफ़ी कुछ संदेश देने की कोशिश की है। आजकल टेररिज्म के में से अफेक्टेड होकर काफ़ी लोग हमारे ISIS से इम्प्रेस्ड होकर बाहर जाते हैं, सीरिया जाते हैं, इराक जाते हैं लड़ाई करने, तो वो लोग कैसे गुमराह होते हैं और उनको कैसे एक नौजवान कैसे बचाता है, इस चीज़ को भी हमने दिखाया है। तो हमने कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है कि ये नौजवान भ्रमित नहीं हो और ये जो लोन वुल्फ सिंड्रोम हम बोलते हैं, ये लोग कैसे अफेक्टेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू, इतने सारे चैनल्स, इतने सारे उनके पास माध्यम हो गए हैं जिनके थ्रू वो सोशल मीडिया को मिसयूज़ किया जा रहा है, इस चीज़ को हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा आपने किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन किया है? हमने सुना है कि जिंदर सिंह का जो ट्रेनर है आपको इस फिल्म में ट्रेन करने वाला है, तो कैसा रहा, प्रिपरेशन कैसे चल रही है अपने किरदार को लेकर? जी, अब तो हम शूटिंग में जा रहे हैं, काफ़ी हमने तैयारी की है, इसलिए मैं बॉक्सिंग प्रोफेशनल लेवल पर सीखा हूँ क्योंकि वो मूवमेंट्स होने चाहिए, मूवमेंट्स इतने नेचुरल होने चाहिए कि लोग अपने आप को, जो बॉक्सर्स हैं जो फिल्म को देखें, तो इसको आइडेंटिफाई कर सकें, कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकें। इसके लिए हमने बहुत रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट करने के लिए मैंने काफ़ी ट्रेनिंग लिया है और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि विजेंद्र सिंह के जो कोच हैं विजेंद्र यादव जी, वो खुद अपने ज़माने के बहुत बड़े चैंपियन रह चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन रह चुके हैं, उन्होंने मुझे पूरा ट्रेन किया है, पूरा सिखाया है। सो आई फील आई एम वेरी लकी और मेरा ख्याल है बहुत पसंद आएगा दर्शकों को जो जिस रूप में मैं आऊँगा। इसके अलावा कौन सी एक्ट्रेस दिखाई देगी इस फिल्म में? इस फिल्म में मेरी एक्ट्रेस है बंगाली फिल्म की, वो एक्ट्रेस रह चुकी हैं, काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, उनका नाम पामेला है और साउथ की भी फिल्म कर चुकी हैं। हिंदी फिल्म में हम दोनों की लॉन्चिंग एक साथ होगी। इसके अलावा इस साल जो है काफ़ी स्पोर्ट्स की फिल्में आ रही है, जैसे सलमान की सुल्तान हो गई, दंगल हो गई, तो उसको लेकर कितना कंपटीशन मानते हैं उस फिल्मों को लेकर? हमारा कंपटीशन हम खुद हैं, हमने एक लैंडमार्क बनाया है अपने प्रोजेक्ट को कि हमें जो लुक देना है, जो हम संदेश देना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, कहीं भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम अलग अलग कंट्रीज़ में, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जहाँ जो रिक्वायरमेंट है, हम 4 शेड्यूल में फिल्म करने वाले हैं, काफ़ी बड़े ग्रैंडियर के साथ पेश करने वाले हैं क्योंकि एक तो मेरी पहली फिल्म है तो मैं कहीं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत अच्छे तरीके से, और क्योंकि हमने मुद्दा ऐसा उठाया है, स्पोर्ट्स का मुद्दा उठाया है, टूरिज्म का मुद्दा उठाया है, तो ये मुद्दा जो है हमारे फिल्म में जितने भी मुद्दे हैं वो सब लार्जर देन लाइफ हैं, तो लार्जर देन लाइफ होना ही चाहिए। इसके लिए हम अपने आप को, हमने सब्जेक्ट ही जब मुद्दा ऐसा छेड़ा है तो पूरा अंत तक उसको अंजाम अच्छे तरीके से देंगे, अच्छे तरीके से हम इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं और दर्शकों को लगेगा कि हाँ, एक स्टैंडर्ड की फिल्म जो होती है कहीं भी कोई कसर नज़र नहीं आएगी। उनका म्यूज़िक किस तरह का होगा? म्यूज़िक हमारी फिल्म, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये म्यूज़िकली हिट होगी क्योंकि इसमें सभी गाने अपने आप में बहुत अच्छे हैं। इसमें रोमांटिक नंबर भी है, इसमें मोटिवेशनल नंबर है, मोटिवेशनल नंबर इतना अच्छा है कि वो आई होप कि वो नेशनल एंथम बन जाए। उसमें वो सब बातें हैं, इतनी जागरूकता है उस एक गाने के अंदर, बहुत कुछ समेटा हुआ है संजीव दर्शन जी ने और बहुत कसकर, बहुत ज़बरदस्त पूरा भरा हुआ म्यूज़िक दिया है। म्यूज़िक में मोहम्मद इरफान जी और काफ़ी हमारे सीनियर्स, पायल देव जी इसमें, दर्शन जी खुद, संजीव जी खुद इसमें एक गाना गाए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पर हमने इसको प्रयास किया है। इसमें हर तरीके के दर्शक, हर तरीके का सॉन्ग जो है इसमें, रोमांटिक भी है, मोटिवेशनल है और साथ में एक सैड सॉन्ग भी है, जब इंसान टूट जाता है तो कितना कैसा महसूस करता है उसके ऊपर भी है, तो काफ़ी पहलुओं को हमने दिखाया सॉन्ग के थ्रू। आखिर में ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे इस बारे में, क्या USP होगी फिल्म की, क्यों देखने आए वो फिल्म की USP? क्योंकि ये बॉक्सिंग के ऊपर है और यूथ को काफ़ी पसंद आएगी, काफ़ी एंटरटेनिंग है और काफ़ी कुछ सीखने भी मिलेगा और काफ़ी हमारे जो नौजवान जो
भ्रमित होकर जाते हैं ISIS के जैसे वैसे जो इंटरनेशनल टेररिज्म जो है वो नहीं भ्रमित हो, इस चीज़ को देखकर काफ़ी लोगों को सीखने मिलेगा, काफ़ी मौका हमने दिया है और काफ़ी एक पूरी तरीके से एक पारिवारिक फैमिली इंटरटेनर है, पूरे परिवार के लिए, हर वर्ग के दर्शकों को पसंद आएगा, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है, इसमें गाने काफ़ी अच्छे हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज है फैमिली ड्रामा। डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के हमारे डायरेक्टर, ये भी मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ काम कर, मेरी पहली फिल्म इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। उन संजय अमर जी, वो पहले फ्यूचर तो ब्राइट है जी, उन्होंने बनाया था 19 जनवरी, उनकी फिल्म आ रही है, तो काफ़ी क्लासी आर्टिस्टिक फिल्म बनाते हैं, तो हमारा फिल्म एक इट्स अ कॉमर्शियल मूवी बट इट विल हैव ऑल द इट विल बी प्रेजेंटेड इन आर्टिस्टिक मैनर, तो हमारे फिल्म एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा आर्ट और कॉमर्स दोनों का, तो इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ स्क्रीन को लेकर। हमारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका होली बहुत ही रंगीन हो, बहुत ही शुभ हो, थैंक यू सो मच, हर साल ये मौका मिले आप लोगों के बीच आने का और ये शुभकामना आप तक पहुंचाने का, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।